हाँ भाई आठ एकदम, हमको लगा नहीं था, हम आराम से आ रहे थे और सियार दिख गया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों आज तो हम लोग का खाना वाना बन गया घर के अंदर ही, और आज थोड़ा मौसम सही किया है, यानी आज थोड़ा फ्रेश है दोस्तों, बादल उदल कुछ भी नहीं है दोस्तों, एकदम पूरा फ्रेश किया हुआ है। हाँ, थोड़ा थोड़ा धूप उग रहा है, और अभी ये घर का लिपाई करने के लिए बोल रही है, लिपाई करेगी। बाकी हम अभी जा रहे हैं दोस्तों दादी के साथ, थोड़ा इनका वृद्धा पेंशन मिलता है दोस्तों, मिलता है जो सरकार की तरफ से, तो उसमें केवाईसी करवाना है, तो दादी को बोल दिए केवाईसी करवाना है, लेकिन दादी बोल रही है कि जाएंगे और हम पहले अच्छा से जानेंगे तभी मतलब ये केवाईसी करवाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक छोटा प्रज्ञा केंद्र है वहीं पे अभी जाएंगे, उसके बाद फिर वहां से पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही मतलब केवाईसी करेंगे। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं हम लोग यह केंद्र, तो अभी दादी देखिए चल चल, तो तैयार भले ने हाँ, निकला कागज पत्र, तो चल ले, तो चल, तो चलिए अब दादी ले लेती है, हम बाइक निकालते हैं, गाड़ी बाहर निकाल दिए और ज़्यादा दूर अभी नहीं जा रहे हैं, सामने ही है, तो दादी के साथ जाएंगे। तो देखिए कागज पत्र सब निकाली है इसी में, कहाँ हाँ ही और ठीक है, तो चलिए डिक्की में नहीं रखेंगे, यहीं पे रख देते हैं। ये भी एक तरह का बैग है दोस्तों, देखिए यहीं पे डाल देंगे। चलिए चल बैठ, तो देखिए अब दादी अभी बैठ रही है, अच्छा से बैठ बे, अच्छा से बैठ बे, तो बैठ गई। तो चलिए अभी निकलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं प्रज्ञा केंद्र, और इधर ही है, तो यहीं पे अभी हम लोग जाएंगे, बाकी बूढ़ा बुजुर्ग सब सभी को यहीं पे आ रहे हैं, देखिए यहीं नीचे होता है, तो यहीं पे देखिए दादी सब भी गई है, तो चलिए यहीं अभी देख लेते हैं हम लोग। देखिए काफ़ी भीड़ है, तो अंदर से हम लोग आ गए बाहर, और जो काम था दोस्तों वो बन गया, क्या कि केवाईसी करवाना था, तो देखिए अकाउंट में तो केवाईसी है अभी बहुत दिनों तक। चल हाँ भाई, तो देखिए अभी दादी बैठ रही है, बाकी काफ़ी भीड़ है दोस्तों, देखिए पूरा भीड़ है, यहीं पे होता है केवाईसी से पैसा निकालना, मतलब लेन देन काफ़ी काम होता है, और सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ सब कुछ होता है, सेंट्रल बैंक का सब कुछ होता है, बाकी दूसरा बैंक का भी लेन देन होता है, लेकिन यानी स्पेशल सेंट्रल बैंक का ही है, यहाँ खाता पासबुक सब कुछ खुलता है, तो दादी का भी यहीं का खाता है। ये रोड भी बहुत चलती है दोस्तों, ये वाला रजरप्पा जाने वाला रास्ता है, और दादी का खाता भी यही बैंक का है, और ये काफ़ी सामने है इसलिए यहीं से खाता खुलवा दिए हैं। तो अब दादी बैठ गई है, तो चलिए अब चलते हैं घर, और बाकी देखिए कैसे एकदम गाड़ी चलता है। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए, और दादी देखिए जो पासबुक है वो रखने के लिए जा रही है घर, और खुशी मम्मी देखिए कैसे घर को चमका दी दोस्तों, पूरा बारिश में एकदम पूरा कैसा हो गया था, और अभी पूरा लीप के कैसा कर दिया, एकदम चकाचक पूरा कर दिए है, और अभी देखिए इस तरह का अच्छा चूल्हा पास लिखेगी ना, तो अभी चूल्हा के सामने देखिए अब लीपने जा रही है, बाकी आज धूप थोड़ा कर रहा है, तो अभी देखिए पूरा घर में पूरा इधर भी पूरा लीप ली है, और ये वाला घर में भी पूरा लीप दी है, देखिए पूरा चकाचक कर, देखिए अभी लीप रही है, तो ठीक है लिपिए है ना। हाँ। अभी हम मुँह धोते धोते आ गए हैं खीरा बारी तरफ, देखिए, और आज थोड़ा धूप उगा है, तो लग रहा है कि मेरा खीरा थोड़ा सही सलामत है, नहीं तो पूरा दोस्तों पलट गया था, और एकदम लग ही नहीं रहा था कि खीरा अब बचेगा कि नहीं बचेगा, तो लग रहा है कि अब धीरे धीरे होगा, क्या कि सीधा हो गया है सब लत सब, तो चलिए इधर मुँह धोते धोते थोड़ा गया बच्चा सबको पाल डाल रखेंगे, उसके बाद जाएंगे, पाल खींच के दे दिए, और अभी देखिए दोनों खा रही है बहुत ही अच्छा से,
आ गए धोने के लिए। और अभी यहाँ देखिए खुशी की मम्मी अभी लिप लाप के यहाँ कपड़ा साफ कर रही है और नहाएगी ना, नहाने भी आए हैं। तो अभी ये नहाएगी तो चलिए अभी हम मुंह धोते हैं। ठीक है जल्दी जल्दी साफ कर दो, है ना। देखिए ये मेरा कपड़ा सब साफ कर रही है, खाली आपकी का कपड़ा है। अच्छा तो चलिए दोस्तों अभी मुंह धोते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। तो धो के आ गए तो चलिए अभी खाना खाते हैं। आ गए हैं खाना बांटने, तो देखते हैं क्या बना है। अरे बाबा, तो आज देखिए दोस्तों कैसा चावल बना है। तो चलिए अभी निकालते हैं। और यहाँ पे रोटी है, तो चलिए अभी रोटी और चावल दोनों निकाल के खाएंगे। चावल बांट के ले आए हैं और आप लोग समझते होंगे दोस्तों कि सिर्फ चावल ही है और सब्जी कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये खीर भात है, खुशी की मम्मी सुबह सुबह खीर भात बना दी है, एकदम दूध मिला था। कल देखे थे बिसुन का पापा लाए थे, करीब 1.5 kg इतना दूध ला दिए थे, तो उसी का खीर बना दी है और बाकी रोटी बना दी है। तो अभी हम सिर्फ खीर ले लिए हैं, बाद में रोटी खाएंगे। तो चलिए अभी खाते हैं। तो खीर खा लिए दोस्तों और देखिए अभी मम्मी सब्जी दी है और रोटी दे रही है। तो देखिए अभी हम 2 पीस रोटी खाने जा रहे हैं अभी। तो चलिए अभी रोटी भी खाते हैं, खीर थोड़ा रोटी, हाँ रोटी रोटी। तो चलिए अभी खाते हैं। तो खाना खा के इधर आ गए हैं दोस्तों और मम्मी जा रही है खाना खा के अभी बकरी चराने, देखिए उधर। और हम जा रहे हैं गैया बच्चा सबको किधर भी खूट देंगे, काहे कि यहाँ दिन भर रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे पुआल भूसी ये सब डाल ही देते हैं, खाती है, फिर भी थोड़ा बाहर में खूट देंगे तो थोड़ा घूमेगी फिरेगी, थोड़ा अच्छा से रहेगी। तो चलिए किधरों अभी खूट देते हैं। वैसे पूरा भूसी खा ली है दोनों, तो चलिए अभी खूटते हैं। चलो 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 चलिए पहले गैये को ही खूटते हैं। गैया और बच्चा दोनों को ला के अभी इधर खूट दिए हैं। देखिए यहाँ भी घास है और यहाँ लहसुन था दोस्तों, तो पूरा एकदम हटा दिए हैं। तो अभी गैया यहीं चर रही है, यहाँ का है कि थोड़ा हरा हरा घास है। तो चलिए अभी यहीं पे छोड़ देते हैं और अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए। कहा कि खुशी की मम्मी सब पहले ही नहा ली है और नहा धो के देखिए अभी खा रही है खाना। अब दन इधर आके खीर भात खा रहे हैं। तो चलिए पहले ही हम कपड़ा ला के इधर रखे थे, तो चलिए अभी नहाते हैं। साबुन वगैरह सब है इधर ही। नहा के हम आ गए दोस्तों और मम्मी चली गई बकरी चराने। अब खुशी मम्मी और दादी किधर गई, घर सब तो लगा हुआ है दोनों, अब देखते हैं किधर गई उन लोग। तो चलिए अभी हम कपड़ा पहनते हैं। तो दोस्तों हम कपड़ा पहन लिए हैं और अभी मुर्गी को 2 चावल दे दिए हैं, देखिए तो अभी कैसे खा रही है और अपना चूजा सबको भी खिला रही है कैसे देखिए। और खुशी की मम्मी अभी आ गई है और आके अभी क्या कर रही है देख सकते हैं, काज कर रही है, आलू धो रहे हैं सीजनिंग के लिए दे रही है। तो अभी देखिए आलू धो के इसको बॉइल करेगी ना, हाँ। तो अभी बॉइल करेगी दोस्तों। हम अभी जा रहे हैं जंगल तरफ, अपना KTM उठा के चल दिए हैं दोस्तों जंगल की ओर। देखिए मेरा KTM और अभी जा रहे हैं, देखिए काहे घर में दोस्तों अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जंगल की तरफ चल दिए हैं। और कल मम्मी का दोस्तों इधर ही CR पकड़ लिया था एक बकरा को, और दुख जब आता है ना दोस्तों तो काफ़ी एकदम आते ही रहता है। और मम्मी एकदम अभी तो थोड़ा शाम भी हो गया है, और जब लाई थी मम्मी उस टाइम दोस्तों लगभग 3 बजता होगा, अभी लगभग 5 बज रहा है, देखिए उधर सूरज दिखता होगा। मम्मी बता रही थी कि इधर से लेके आई और बकरी सब है कि वहाँ से एक रास्ता है, वहाँ से ये नीचे वाला बारी चली गई। और जब नीचे वाला बारी चली गई ना दोस्तों तो CR अचानक यहाँ जंगल से आया और तुरंत उठा के जंगल इधर पूरा झाड़ी है एकदम अंदरे अंदर उधर ले गया। और मम्मी थी कि अकेले थे, अब अकेले थी तो अकेले में अब वो क्या करेगी दोस्तों, बकरी छोड़ के भी दौड़ाई थी कुछ दूर तक, अब कुछ दूर तक तो दौड़ाई, उसके बाद उधर बिसुन था तो फिर बिसुन को देखा CR और छोड़ के भाग गया। बिसुन CR को देखा भी नहीं था, मतलब बाद में CR को देखा लेकिन ले जाते हुए नहीं देखा था। और जब वहाँ देखी तो मम्मी फिर बिसुन को बोल के फिर मम्मी आई इधर, तो बकरी सब इधर मिली नहीं, फिर बकरी सब उधर चल गई थी पूरा वो जंगल वाला तरफ, फिर वहाँ से मम्मी उधर पूरा हम लोग का जो बारी है उस तरफ ले गई, और वहाँ से जाके फिर बुलाई हमको, हमको बताई, तब जाके मतलब हम गए थे वहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों कितना झाड़ी है एकदम।
और अभी देखिए सारे जंगल में जितने भी पेड़ है सभी अभी पत्ता दे रहा है दोस्तों, पूरा हरा भरा लग रहा है। देखिए हमको अंदर ले जा रहे हैं, देखिए मेरा गाड़ी तो उधर अंदर नहीं जाएगा, गाड़ी को हम यहीं पे रखते हैं। और देखने के लिए आए थे दोस्तों सियार, तो सियार तो मिलने वाला है नहीं, बाकी अभी देखिए अपना गाड़ी को यहीं पे खड़ा कर दिए, अभी यहीं पे ये रहेगा। और अभी जा रहे हैं ये रास्ते में, देखिए कैसा एकदम झाड़ी है। और इधर ही दोस्तों इधर सियार भी आता है, कभी कभी मोर भी आता है और खरगोश भी देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन कौन आता है इतने एरिए में। आप सियार पकड़ के ले गया और आज गांव का ही एक आदमी का दोस्तों बहुत बड़ा खसी पकड़ के मरा दिया, तो देखिए कितना एकदम झाड़ी है पूरा। यहाँ आने जाने का रास्ता है इसीलिए यहाँ क्लियर है, तो इतना झाड़ी है, इतना झाड़ी है, देखिए कितना झाड़ी है एकदम। देखिए दोस्तों सिया से रहा, अंदर चला गया दोस्तों, तो दोस्तों हमको लगा नहीं था कि सियार दिख जाएगा, एकदम दौड़ा दोस्तों पूरा एकदम जोर से ताट, एकदम हमको लगा नहीं था, हम आराम से आ रहे थे और सियार दिख गया दोस्तों। थोड़ा दौर दौड़ाई, अब कितना दौड़ाएंगे तो दौड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन दिख गया दोस्तों। और इतना सियार ही हो गया है ना जंगल में कि आराम से हम आ रहे थे और सियार मिल गया है, वो दिखता है दोस्तों सुबह शाम हम लोग भी आते हैं ना तो दिख ही जाता है, लेकिन हमको लगा नहीं था कि इस टाइम अभी सियार मिलेगा। एकदम इधर ही आके बकरी सबको जोहता है और आराम से पकड़ के ले जाता है दोस्तों, और बकरी सब इधर से ही रास्ता में जाती है, बाकी इधर से छिपा रहता है, इधर छिपा रहता है। और जंगल में इतना सियारे हो गया है ना, अभी शाम नहीं हो पाएगा, यानी रात भी नहीं हो पाएगा और घर किनारे चल जाता है, और इतना अभी आवाज़ करेगा ना, इतना भूकेगा, इतना भौंकेगा कि काफ़ी डर लगने लगता है। तभी जैसे हमको सियार दिख गया दोस्तों, इसी तरह एकदम छिपा रहता है और बकरी चराने के लिए जंगल ले जाते हैं, इसे हम पकड़ के ले जाता है। अभी दोस्तों 10-12 दिन से इतना बकरी गायब हो रही है ना दोस्तों पूरा, काहे कि कल हम लोग का बकरा मतलब पकड़ लिया, मम्मी दौड़ाई उधर बिसुन था इसलिए छोड़ दिया। आज दोस्तों एक बहुत बड़ा खसी गांव का ही एक घर का मतलब पकड़ दिया था, अब इतना बड़ा खसी था कि उसको मार तो दिया लेकिन ले जाना मुश्किल था, इसलिए सियार छोड़ दिया। और अभी देखते हैं ना इतना गायब हो रहा है, ओ चाची जो एक चाची है अनिल का मम्मी, उनका भी एक बकरा पकड़ के ले गया। उसके बाद दोस्तों बगल वाला गांव सब में भी सुनते हैं, हम लोग का गांव में भी इसी तरह, तो पूरा सियार सब भी पकड़ रहा है बकरी सब। तभी इधर आए थे ऐसे ही दोस्तों, तभी फिर आ गए अपना गाड़ी के सामने, तो चलिए थोड़ा घूमेंगे साइड साइड में अपना बारी तरफ, उसके बाद फिर जाएंगे घर। घूम लिया दोस्तों और काफ़ी शाम हो गया, तो अभी हम घर आ गए हैं। और अभी यहाँ देखिए खुशी मम्मी क्या बना रही है, तो सब्जी बना रही है मटर और आलू का सब्जी। हाँ। मटर आलू का सब्जी बना रही है और शाम हो गया है दोस्तों, तो शाम शाम में हम लोग को यहाँ दिया बाती किया जाता है, तो दादी अभी दिया दिखा रही है चारों दिशा में दिखाती है, तभी दिखा रही है, बाकी हम लोग का यहाँ सब्जी बन रहा है अभी, तो चलिए आज स्पेशल सब्जी बन रहा है दोस्तों। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उस चैनल में नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।